नमस्ते रुचिरा, मैं आपका स्वागत है। आज मैं क्रिसमस स्पेशल कपकेक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। क्रिसमस में बहुत सारे वेराइटीज़ के केक्स और कपकेक्स बनते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कपकेक्स को अलग अलग तरीके से कैसे डेकोरेट किया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेनिला के फ्लेवर और कुछ चॉकलेट फ्लेवर के कपकेक्स बनाए हैं और ये मेरे पास बहुत सारे नोजल्स हैं। इन नोजल्स को यूज़ करके हम आज कपकेक्स को डेकोरेट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में ब्लू कलर का व्हिप क्रीम लिया है, दूसरा पाइपिंग बैग में पिंक कलर का व्हिप क्रीम। यहाँ पे मैंने नूर का N1 नोजल लिया है। अब हम दोनों कलर के पाइपिंग बैग इस बैग में रख देंगे और कपकेक के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से करने से दो शेड का हमें डिज़ाइन मिल जाता है। हम पहला कपकेक डेकोरेट करने वाले हैं। इस तरह से नोजल को बाहर से अंदर की तरफ हम घुमाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं दो शेड में हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम उसी नोजल से और एक डिज़ाइन बनाएंगे। अब हम नोजल को अंदर से बाहर की तरफ घुमाते हुए ये डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रोज का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम वही नोजल से और एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से कपकेक के ऊपर हम छोटा छोटा फ्लावर बनाएंगे। अब हम इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स इस तरह से रख देंगे। यह हमारा तीसरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लावर के बुके जैसा लग रहा है। अब हम उसी नोजल से और एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से नोजल को आगे पीछे घुमाते हुए हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्यारा सा रफल डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने लिया है नूर का 7 नंबर का नोजल। इससे हम कपकेक के ऊपर छोटा छोटा रोज बनाने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा हमारा कपकेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम वही नोजल से और एक डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से छोटा सा रोज बनाएंगे। ये मैंने नूर का 47 नंबर का नोजल लिया है। ये लीफ नोजल है। इस तरह से इसके साइड में हम लीव्स बनाएंगे। ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने लिया है नूर का 127 नंबर का नोजल। ये फ्लावर बनाने का नोजल है। इस तरह से ऊपर नीचे नोजल को घुमाते हुए हम एक फ्लावर बनाएंगे। और बीच में हम इस तरह से चॉकलेट का नूडल्स डाल देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया सा फ्लावर। अब हम उसी नोजल से एक रोज बनाएंगे। इस तरह से बीच में थोड़ा सा व्हिप क्रीम रखना है और हमें अभी रोज का पेटल्स बनाना है। नोजल का जो नैरो पार्ट रहता है उसे हम नीचे की तरफ रख देंगे और जो ब्रॉड पार्ट है उसे ऊपर की तरफ, और इस तरह से हमें पेटल बनाना है।
दो पेटल के बीच में से दूसरा पेटल निकाल के और एक लाइन बनाना है। इस तरह से जितना भी बड़ा आपको रोज़ चाहिए उतना बड़ा रोज़ आप बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा रोज़ बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने लिया है नूर का 15 नंबर का नोज़ल। ये सनफ्लावर का नोज़ल है, इसे हम सनफ्लावर बनाएंगे। पाइपिंग बैग को थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचना है, सनफ्लावर का पेटल्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए एक लाइन हमने कंप्लीट कर दिया है, इसी तरह से पूरा सनफ्लावर हम बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने अलग अलग फ्लेवर के कपकेक्स के वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्यारा सा सनफ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बीच में इस तरह से चॉकलेट नूडल्स रख देंगे। लग रहा है ना बिल्कुल सनफ्लावर जैसा। अब मैंने नूर का 132 नंबर का नोज़ल लिया है, हम इससे कपकेक के ऊपर इस तरह से घुमाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। अब देख सकते हैं प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं उसी नोज़ल से और एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। पाइपिंग बैग को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ हमें खींचना है। अब देख सकते हैं प्यारा सा मोदक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम एक ही नोज़ल से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। क्रिसमस स्पेशल कपकेक्स बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप भी इस क्रिसमस में इस तरह के कपकेक्स जरूर बनाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे एक नए रेसिपी के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स।